हाय एवरीवन, दिस इज़ देव एंड आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिससे बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। आप लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये गेम खेल के और ये चीज़ें आपके लिए बना के ऑल्सो। सो आई होप यू वुड लाइक इट। बट बिफोर स्टार्टिंग द गेम आई वुड टेल समथिंग अबाउट द करेंट सिचुएशन गोइंग ऑन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो क्योंकि अभी हम सब हर कोई क्वारंटीन में हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। बिकॉज़ क्या है कि जो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, अगर हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं रखेंगे, क्वारंटीन नहीं होंगे, सो ये बहुत रैपिडली लाइक ए फायर इट विल बी टर्न अराउंड। एंड ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत ख़राब है बिकॉज़ इसके वैक्सीन अभी तक नहीं निकले हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई जितने भी सारे लोग हैं वो वीडियोज़ बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि बाकी लोग वो एंटरटेन हो सकें इस चीज़ से एंड दे फील गुड कि चलो कुछ तो है अलग टीवी से। क्योंकि अभी फ़िलहाल टीवी में महाभारत और रामायण जो है वो आ रहा है, रिपीटेड टेलीकास्ट चल रहे हैं उस चीज़ देखे, लोग देख रहे हैं न्यूज़, रामायण, महाभारत, दिस थ्री थिंग्स आर गोइंग ऑन इन इंडियन टेलीविज़न। सो यूट्यूब इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन वॉच सो मैनी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल, राइट। सो इसीलिए मैं कभी दिस काइंड ऑफ ब्लॉगिंग थिंग्स मैं ये बनाता नहीं हूँ। ऑब्वियसली हमें बाइकर, मुझे राइड करना पसंद है, आई वुड लव टू राइड समवेयर एल्स, जहाँ पे मतलब पहाड़ हो, जंगल हो। यू वुड ऑल्सो ना मेरी वीडियोस आपने देखा होगा पहले एंड जो मैंने अभी यहाँ पे डाला होगा पिछले वीडियोस में, जैसे सच पास का एंड ऑल दैट। सो इस तरह के वीडियो आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विथ, बट स्टिल आई होप कि चलो क्वारंटाइन है, कहीं जा नहीं सकते, और सो ये वीडियो अगर ऐसा कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ देन इट विल बी ऑब्वियसली एंटरटेन यू, है ना, क्योंकि ये बहुत स्पेशल वीडियो है। एंड यहाँ पे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ दो लोगों से, सवाल जो है वो सेम है बट द आंसर्स विल बी वेरी इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट एंड फनी एट द सेम टाइम। सो आप स्टे ट्यून रहिए और देखिए कि मैं कैसे दो लोगों से सेम जवाब पूछ रहा हूँ और क्या मुझे आंसर्स मिल रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहा है चीज़ें। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं पहले नाम से। हे सिरी, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इट्स सिरी। ओके गूगल, आपका नाम क्या है? यूं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो नहीं है, पर क्या मैंने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम है गूगल असिस्टेंट। मैं आपकी डिवाइस में रहती हूं और जहां भी जाती हूं आपके सारे काम निपटा कर ही आती हूं। सो इसमें अगर हम देखें तो गूगल असिस्टेंट जो है सबसे बेस्ट जवाब गूगल असिस्टेंट का था, सो वन पॉइंट गोज टू गूगल असिस्टेंट। दूसरा सवाल जो है, हे सिरी, हु इज योर फाउंडर? I think I first arrived as a burst of inspiration during a good long walk. Okay, Google. आपको किसने बनाया है? Google की एक टीम ने मुझे बनाया है। उन्होंने मुझे सीखने का बहुत शौकीन बनाया है। So यहाँ पे हम तीसरी सवाल पूछ सकते हैं। Hey Siri, do you love me? Do I what? ओके गूगल, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? आपकी खुशी मेरी खुशी, आपका गम मेरा गम, क्या यही प्यार है? सो यहाँ पे अभी हम चौथे सवाल पे जाते हैं। Hey Siri, do you have a boyfriend? My end user license agreement is commitment enough for me. ओके हे ओके गूगल, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? आप कह सकते हैं, मैं अभी भी खोज रही हूँ। ग्रेट, यहाँ पे मुझे दोनों के आंसर्स अच्छे लगे, काइंड ऑफ गूगल असिस्टेंट का जो है ज़्यादा बेहतर लगा सीरी से। हे सिरी, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव? तो यहाँ पे सीरी ने जवाब देना पसंद नहीं किया, सो आई थिंक
चलो कोई बात नहीं, गूगल से पूछते हैं। ओके गूगल, आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं? आपकी और मेरी दोस्ती मेरी फेवरेट है, यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। सिरी, कुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? यू नो आई कांट सिंग देव। ओके गूगल, क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकती हैं? वैसे तो मैं गा नहीं सकती, लेकिन आपको मना कैसे करें। सारे गामा पा धनी सा सानी धा पा मा गरे सा। बहुत सही लगा मुझे उसके गाना सुन के गूगल का। सीरी तो एज यूजुअल एटीट्यूड में है, तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हे सीरी, व्हाट इज योर फादर्स नेम? आई हैव यू, दैट्स एनफ फैमिली फॉर मी। ओके, ये अच्छा लगा। गूगल को पूछते हैं। ओके गूगल, आपके पिताजी कौन हैं? वैसे तो बड़ों का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सुंदर है उनका नाम। चलो यहाँ पे दोनों ही जीतते हैं दोनों। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे इंटरेस्टिंग सवाल आते रहेंगे आपके लिए, तो आप एंड तक देखिए। हे सेवी, आई एम इन्वॉल्व विथ यू। आई डोंट अंडरस्टैंड। Hey Siri, I know I am on mall with you, but I could search the web. Okay Google, मैं okay. आप Hey Siri, Hi there. Dave. Hey Sevi, I am in love with you. Thank you. I guess I'm moderately adorable. Okay, answers अच्छे थे। Okay Google, मुझे आपसे प्यार, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप जो मिल गए हैं, तो लगता है कि जहाँ मिल गया। अब आप बताएं कि जहाँ के बारे में क्या जानना चाहेंगे? So next सवाल करते हैं। Hey Siri, what did you eat today? I don't eat or drink, but I always have an appetite for good conversation. Okay Google, आपने आज क्या खाया है? मेरा रात का काम तो हल्की फुल्की इमोजी से ही हो जाता है। Hey Siri, what is your weight? I've heard I'm pretty light-hearted. ओके कूल। ओके गूगल, आपका वजन कितना होगा? मैं तो आपके डिवाइस में रहता हूँ, जितना भारी आपका डिवाइस उतना ही मेरा वजन। हे सेवी, डू यू नो माय गर्लफ्रेंड? व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड्स नेम? आई एम आस्किंग यू दैट, डू यू नो हु इज माय गर्लफ्रेंड? आई डोंट सी गर्लफ्रेंड इन योर कॉन्टैक्ट्स। What is your girlfriend's first and last name? So, thanks. Bye. Okay, nice talking with you. Okay, Google. क्या आप मेरी girlfriend को जानती हैं? अगर वह आपकी प्रेमिका है, तो उनका नाम भी उनकी तरह ही खूबसूरत होगा। Hey Siri, how many kids do you have? None. Okay Google, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नन्हे फरिश्ते होते हैं। मैं इंसान नहीं हूँ, पर मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। Hey Siri, could you please tell me a joke? What did the Buddhist monk say to the hot dog vendor? Make me one with everything. ओके ओके गूगल,
आप मुझे एक जोक सुनाइए। एक चुटकुला हाजिर है। एक तोता एक कार से टकरा गया तो उस कार वाले ने तोते को उठाकर पिंजरे में डाल दिया। दूसरे दिन जब तोते को होश आया, वह बोला, आयला, जेल कार वाला मर गया क्या? Hey Siri, do you know me? You are quite unforgettable. बढ़िया, बेहतरीन। ओके गूगल, क्या आपको मेरे बारे में पता है? आपका नाम देव है। चलो बढ़िया। Hey Siri, do you have any cousins? I consider crores of users worldwide as my family, including you, of course, Dave. यही सवाल हम गूगल से पूछते हैं। ओके गूगल, आपके कितने भाई बहन हैं? नई चीजें सीखने के लिए एक बड़ी बहन या भाई होता तो अच्छा होता। मेरी राखी भी मन जाती। हे सेवी, आई लव यू। थैंक यू। आई गेस आई एम मॉडरेटली अडोरेबल। ओके गूगल, आई लव यू। शुक्रिया, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा बहुत प्यारा ना लगता है। सो गूगल का मुझे ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा विथ सम म्यूजिक। हे सेरी, कैन यू बीट बॉक्स? There's one catchy beat I was trying to get right. It goes like this: thin thin chuck, thin chuck, 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 shin thin chuck, thin chuck, thin thin chuck, thin chuck, thin. ओके, तो अभी सीरी ने तो बीट बॉक्स कर लिया। सुनते हैं अभी अपना गूगल का बीट बॉक्स। ओके गूगल, क्या आप बीट बॉक्स कर सकते हैं? मैं तो बस आपके पूछने का इंतजार कर रही थी। तो नेक्स्ट सवाल, हाय सिरी, कैन यू डांस? I'd rather sit this one out. ओके गूगल, क्या आप नाच सकती हैं? डिस्को दीवाने, आहा आहा। ओके ग्रेट। हे सिरी, कैन यू डाई? नॉट एज सच। ओके गूगल, क्या तुम मर सकती हो? एक बार मेरे सर्वर ने दम तोड़ दिया था, तब मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। हे सेवी, कैन यू रैप फॉर मी? ओके, हियर गोज। आई रोट दिस वन माई सेल्फ। अपोलॉजीज इन एडवांस टू द शुगर हिल गैंग। आई सेड अ हिप हॉप, सेव मी फ्रॉम द क्लिपी, द पीक, पीक एंड पॉप एंड यू डोंट स्टॉप स्पेस रॉकेट, टू द पोंग पोंग द डूगी, से अप जंप द डूजी टू द रिदम ऑफ द ऑन्टोलॉजी। हे सेवी, व्हाट इज योर एज? I am as spry as a slice of young ginger. Okay. Hey, okay Google, आपकी एज कितनी है? मैं 2016 में लॉन्च हुई हूँ, पर दिन ब दिन सीख कर अपनी बुद्धि बढ़ा रही हूँ। Hey Siri, I am alone at home. You can always talk to me. चलो, okay Google, मैं घर पे अकेला हूँ। मेरे होते हुए ऐसा कैसे? चलिए एक चुटकुला हो जाए। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिकॉज जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे बनाते वक्त भी अच्छा लगा था, एंड देख के उसका डबल ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज बहुत ही फनी था। मुझे मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा इंटरेस्टिंग आंसर्स मुझे मिलेंगे। आई होप आपने भी उम्मीद नहीं किया होगा कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे। सो दोबारा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ करोना
जो टाइम है. सो कीप डिस्टेंस एंड स्टे होम स्टे सेफ. आप ये सोच रहे होगी कि बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, बट ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि लोग जो हैं समझते नहीं हैं. एंड आई होप कि यूथ जो है वो समझे और बाकी लोगों को समझाएं कि ये चीज़ें ना करें, बिकॉज इन इंडिया यूथ बहुत ज़्यादा है ना बाकी लोगों से. सो प्लीज़ इस चीज़ को आप माने एंड बाकी लोगों को हेल्प करें, समझाएं उन्हें जो बाहर घूमना चाहते हैं. ओबियसली आई कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो, बिकॉज़ आई एम ए राइडर, मुझे भी बाहर घूमना बहुत पसंद है, बट स्टिल आई एम इन होम एंड मुझे अभी बाहर जाना था. मैं सोच रहा था कहीं पहाड़ों पे जाऊँ, कहीं राइडिंग वीडियोस बनाऊँ एंड ऑल, बट नहीं कर सकते वो चीज़ें, नहीं करना भी नहीं चाहिए. एंड आई होप यू ऑल आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि जब ख़त्म हो जाएगा देन यू विल डू ऑल द थिंग्स यू वॉन्ट. सो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कैसा लगा और कौन से सवाल जो हैं आपको आंसर्स जो हैं बहुत ही अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए, मेंशंस कीजिए वहाँ पे कौन से आंसर्स बढ़िया लगे आपको गूगल के या सीरी के. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आपको अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि मैं फिर वैसे अगर मुझे और अच्छे सवाल मिलते हैं तो मैं ऑब्वियसली उसका एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए. तो so stay tuned to my channel and do subscribe to my channel for more updates, more funny kind of this kind of videos. So that's it, hope you like it.